चैप्टर टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड एक्सरसाइज टू सी गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू लेते हैं, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। टू वन जा टू, वन टू जा टू, तो टू के केवल दो फैक्टर है, वन और टू। थ्री लेते हैं, थ्री वन जा थ्री, वन थ्री जा थ्री, थ्री के केवल दो फैक्टर हैं, वन और थ्री। तो ऐसे नंबर्स प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। तो हमें ये नंबर लेना 252 का, इसका फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 252 में हम 2 से डिवाइड करें, 126 आएगा। यूनिट डिजिट अगर 2 होगी, 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यूनिट यहाँ पर 6 है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से आप डिवाइड करें, 63 आया। यहाँ पर 6 प्लस 3 ऐड करेंगे, 6 प्लस 3 9, और 9 नंबर्स जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 या 9। इसलिए अगर डिजिट का सम करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरे नंबर्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से आप डिवाइड करोगे 21 आएगा, और 21 में 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। उसके बाद 7 1 जा 7, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 × 2 × 3 × 3 × 7, 2 × 2 2 टाइम्स है इसलिए हम 2 स्क्वायर कर देंगे, और 3 × 3 2 टाइम्स है इसलिए हम 3 स्क्वायर लिख देंगे इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 637 है, 637 7 से डिवाइड कर लो इसको, 7 7 9 जा 63, और ये रिमाइंडर 7 बचेगा, 7 1 जा 7। 91 है, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 91 में हम 7 का डिवाइड करेंगे 13 होगा, 13 में हम 13 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 7 × 13 हो गया। ये 2 टाइम्स है तो 7 स्क्वायर लिख देंगे इंटू 13 हो गया। 2907 है, 2907 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 प्लस 9 11 11, और प्लस 7 18, और 18 नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो हम पूरे नंबर्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 2907 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, 969 होगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 3 से डिवाइड करने पर 323 आया। उसके बाद हम इसको 17 से डिवाइड किए तो ये 19, और 19 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 2907 का 3 × 3 × 17 × 19 है। ये 2 टाइम्स है 3 × 3, इसीलिए हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर × 17 × 19। जरूरी नहीं कि यहाँ पर आंसर लिखें, यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं।